हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ पंकज, आपका होस्ट कम दोस्त। आज फिर से आपके सामने कुछ अनबॉक्सिंग एंड रिव्यूज़ लेके आया हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक बोट का काफ़ी अच्छा प्रीमियम क्वालिटी एयरडॉप्स है। ठीक है, तो ये है बोट का एयरडॉप्स है। इसका मॉडल है एयरडॉप्स 383। ये बोट का एयरडॉप्स 383, और ये इसके डिटेल्स हैं। ये मैं आपको इमेजेस में भी शेयर करूँगा। और एक मेरे पास आइटम पहले से था परचेज्ड, जो मैंने वर्क फ्रॉम होम के पर्पज़ से, फॉर कॉलिंग पर्पज़ से मैंने अपने लिए मंगवाया था। दिस इज़ द प्रोडक्ट। ये भी बोट का ही है, एयरडॉप्स 441 441 प्रो। ये मैंने अपने लिए मंगवाया था और ये अभी कंपनी ने हमको भेजा है फॉर गिफ्ट पर्पज लाइक। ठीक है, तो हम इसका अनबॉक्सिंग करेंगे, प्लस इसकी क्वालिटी भी कंपेयर करेंगे और इसकी क्वालिटी कैसी है और रिव्यूज़ क्या है इसके अकॉर्डिंग टू मी, मैं वो भी आपको बताऊंगा। सो शुरू करते हैं हम अनबॉक्सिंग के लिए। तो आइए, तो हम इसकी अनबॉक्सिंग करके देखते हैं। वैसे प्रीमियम क्वालिटी का बॉक्स लग रहा है, ओपन करने में भी थोड़ी सी दिक्कत थी। मैं इसकी कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ। वैसे ये IWP पे बेस होता है, इंस्टा वेक एंड पेयर पर्पज़ से। ASAP चार्जिंग है इसमें, फास्ट वायरलेस चार्ज, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में। 5 मिनट चार्ज अगर आप करेंगे तो 60 मिनट्स का प्ले टाइम आपको मिलता है। और ट्रू वायरलेस एक्सपीरियंस है विद ब्लूटूथ 5.0। ठीक है, और प्रीमियम हाईटेक डिज़ाइन है इनके। डिज़ाइन और ईयरबड्स की क्वालिटी मैंने, जो मेरे मेरे पास ओल्ड वाले हैं, मैंने वो यूज़ किया है, तो काफ़ी अच्छा प्रीमियम क्वालिटी साउंड है। टाइप सी चार्जिंग है, सो दैट आपके पास में एक ही सिंगल चार्जिंग केबल से आप वो यूज़ कर सकें पर्पज़। एनथ्रेलिंग ऑडियो एक्सपीरियंस है 7 mm ड्राइवर्स के साथ में। ये डायनेमिक ड्राइवर्स होते हैं बेसिकली, और काफ़ी अच्छी प्रीमियम क्वालिटी साउंड होती है। अभी हम जब कंपेयर करेंगे एयरडॉप्स 441 से। ठीक है, ये है स्वीट एंड स्वेट एंड वाटर रेसिस्टेंस के साथ है। ये मेरा वाला जो मैंने पहले परचेज़ किया हुआ है, ये वाटर प्रूफ है बेसिकली। ये स्वेट एंड वाटर रेसिस्टेंस है, इसका क्वालिटी भी अच्छा होगा ऑब्वियसली। यहाँ पे इजी एक्सेस कंट्रोल्स दिए हुए हैं विद वॉइस असिस्टेंस है, ये दोनों में सेम है। इसमें एक है उबर कूल 500 mAh का चार्जिंग केस है, जो इसको 4 टाइम्स चार्ज करने में हेल्प करता है, जो ईयरबड्स होते हैं। यानी कि अगर आपका ईयरबड 4 आवर्स का बैकअप देता है, दैट मीन्स ये 4 टाइम्स है, तो अराउंड 16 आवर्स का आप कंटिन्यूअसली बैकअप इसको यूज़ कर सकते हैं। यानी कि 1 टाइम अगर आपने चार्ज कर लिया विद बोट का ये ईयरबड्स प्लस आपका ये चार्जिंग केस, ठीक है, तो टोटल 20 आवर्स का बैकअप हो जाएगा। 4 आवर्स का इसका और 16 आवर्स का बैकअप इसमें होगा, जो इसका चार्जिंग केस है। हैंड्स फ्री कम्युनिकेशन है विद स्टीरियो कॉलिंग के साथ में। आप अगर म्यूजिक सुन रही हैं तो लेफ्ट एंड राइट इस तरीके से वो काम करेगा। ठीक है, स्टीरियो साउंड की क्वालिटी के अकॉर्डिंग। बैटरी इंडिकेटर है फॉर आईफोन डिवाइसेस, बैटरी इंडिकेशन के लिए। ये वैसे एंड्रॉयड में भी होता है बैटरी इंडिकेटर बेसिकली। तो हम देखते हैं इसमें क्या क्या आइटम्स निकलता है। ये रीड मी बिफोर यूज़ कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है इन्होंने। ठीक है, उपयोग करने से पहले मुझे पढ़ें, रीड मी बिफोर यूज़। ये 1 ईयर वारंटी, मैन्युफैक्चरर वारंटी का ऐसा कार्ड दिया हुआ है इन्होंने। एक ये चार्जिंग केबल है बेसिकली, एक ये सन बर्न करके कुछ दिया हुआ इन्होंने शायद। अच्छा, ये इनके प्रोडक्ट्स की गाइड है बेसिकली, कि बोट के क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं एक्चुअल में। काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने दिया हुआ, जैसे ये पार्टी पाल स्पीकर्स के लिए दिया हुआ, चार्जिंग एंड केबल्स भी दिया हुआ है। इस तरीके से मैं अगर आपकी तरफ, स्क्रीन की तरफ करके दिखाऊं, तो ये देखिए पार्टी पाल स्पीकर्स हैं, चार्जिंग केबल्स हैं। इस तरीके से यहाँ पे भी कुछ दिया हुआ, जैसे ये रॉकर्स हैं, हेडबैंड्स, ये आपके स्पीकर्स हो गए, और ये आपके म्यूजिक सिस्टम्स हो गए हैं, और ये आपके एयरडॉप्स हो गए हैं इस तरीके से। और ये है आपका फैकल्टी कार्ड, फैक कार्ड। ये इसमें इसका स्पेसिफिकेशन नहीं है, मतलब
आप कैसे यूज़ करेंगे ईयरबड्स को यूज़ कैसे करेंगे, उसमें टच कंट्रोल्स किस तरीके से हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है बेसिकली। यहाँ पे देखिए चार्जिंग केस इशू के लिए दिया हुआ है, ईयरबड कंट्रोल इशू के लिए दिया हुआ है, वॉइस कॉल इशू है, ईयरबड चार्जिंग इशू के लिए है बेसिकली, इन्फॉर्मेशन पर्पज़ से है। और ये इसका मैनुअल सेटअप गाइड दिया हुआ है कि किस तरीके से हमें इसको कनेक्ट करना है, इस तरीके से अगर कोई इशू आता है तो आप इसको रीसेट कैसे कर सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन इसमें दिया हुआ है, फैक्ट्री रीसेट, कॉमन प्रॉब्लम्स, इस तरीके से। तो ये देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है, तो शुरू करते हैं हम। ये देखिए दोस्तों प्रीमियम क्वालिटी लग रहा है, मतलब इजी टू कैरी है, लाइट वेटेड है, ब्लू कलर में ये हमको रिसीव हुआ है, और ये काफ़ी अच्छा क्वालिटी लग रहा है मुझे वैसे अभी। ये देखिए इसमें एक आपको लाइट चलती नज़र आ रही होगी, ये देखिए वन टाइम में दोनों ब्लू एंड रेड कलर की लाइट चलती रहती है ऑल टाइम। ये देखिए कनेक्टिविटी के लिए, ये इंस्टेंट वेक एंड पेयर के लिए, पेयरिंग के लिए अभी ये कनेक्टेड कनेक्शन ढूंढ रहा है पेयरिंग के लिए, ठीक है। तो हम इसको फ़ोन से कनेक्ट करके भी आपको दिखाएंगे, तो आइए देखते हैं, इनको साइड में रखते हैं पहले और फिर कनेक्टिविटी के लिए हम देखते हैं, और इसका आपको मैं रिव्यू भी दूंगा। इसके साथ हमको 4 पेयर एक्स्ट्रा हमको ये दिया है इन्होंने, 2 पेयर्स तो इसी में बड्स हैं हमारे, जैसे जो ये बड्स जो ईयर के अंदर आपके लगते हैं, ईयर जेल्स कप जो होते हैं बेसिकली, ठीक है। और 2 इसमें हैं और 4 अलग से दिए हुए हैं अलग अलग साइज़ के, 2 स्मॉल हैं और 2 मीडियम इसमें लगे हुए हैं और 2 लार्ज कैप हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से नॉर्मली हर किसी में इसी तरीके से मिलते हैं आपको। अब इसी के साथ मैं आपको दिखाता हूँ जो मेरे वाले, जो मेरे पास ओल्ड वाला है वो ये है, इसका साइज थोड़ा बड़ा होता है। इसमें भी सेम यही चीजें होती हैं, एक आपकी चार्जिंग केबल है, एक आपके ये ईयर जेल्स कप हैं बेसिकली, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस, मेन डिफरेंस है कि इसमें इसका जो पावर बैकअप है ये 2600 mAh का बैटरी इसके अंदर है, इसमें 500 mAh का बैटरी है, तो आपको देखने से भी लग रहा होगा कि ऑलमोस्ट इसका डबल नहीं, बैटरी पैक जो है इसका वो काफी, मतलब ऑलमोस्ट 5 टाइम्स ज़्यादा है इससे। अगर इसका 20 आवर्स का बैकअप है तो इसका नॉर्मली 100 आवर्स का बैकअप है, बट इसका जो ईयरबड का बैकअप है इसमें 4 आवर्स का है और इसमें 5.5 आवर्स का है, तो ऑलमोस्ट 150% बैकअप ज़्यादा है ईयरबड का, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये 100 आवर्स का बैकअप की बजाय 150 आवर्स का बैकअप कंपनी क्लेम करती है इसके लिए, इसमें भी ये मेंशन है इस तरीके से। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा पढ़ के बताना चाहूँगा। इसमें मिलता है हमको चार्जर मिलता है, केबल मिलता है, और हाँ एयरपॉड्स 441 प्रो, एक्स्ट्रा ईयरबड्स, टाइप सी केबल, मैनुअल, वारंटी कार्ड एंड कैटलॉग, ये चीज़ें इसमें हमको मिली थी। और इसमें देखिए यहाँ पे मेंशन भी है 2600 mAh कैरी केस अप टू 5 आवर्स, जो इसका नॉर्मली सिंगल ईयरबड का जो बैकअप है वो 5 आवर्स का बैकअप है, और 2600 mAh का इसका कैरी केस है, ठीक है। तो वो आप मल्टीपल टाइम्स आप उसको, मतलब वन टाइम अगर आपने चार्ज कर लिया तो मे बी शायद ये 1 मंथ, अगर मैं नॉर्मल यूज़ के अकॉर्डिंग बताऊं तो मेरे वर्क में, मेरी जो ऑफिशियल कॉल्स होती हैं और कभी कभार मैं म्यूज़िक और मूवी देखने का शौकीन रहता हूँ, तो अगर मैं वो भी देखता हूँ इवनिंग में या नाइट में या वीकेंड पे, ठीक है, तो मेरा ये मंथ, ये 1 बार चार्ज करने पे मंथ निकाल देता है। मैं आफ्टर मंथ और 2 मंथ ही इसको चार्ज करता हूँ, अदरवाइज़ अभी भी मुझे इसको चार्ज किए हुए 15-20 डेज हो गया होगा, अभी भी इसमें 2 बैटरी बाकी हैं, यानी कि अबाउ अराउंड 1500 mAh बैटरी बैकअप होगा इसमें, ठीक है, नियर बाय। सेम इसी तरीके से और कुछ इन्फॉर्मेशन है तो मैं बताता हूँ, एडिशनल इसमें भी लिखा, देखिए एडिशनल 150 आवर्स विद केस, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेंशन भी है, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एर्गोनॉमिकली डिजाइन सिक्योर फिट,
प्योर ऑडियो ब्लिस 6 mm डायनेमिक ड्राइवर, उसमें 7 mm ड्राइवर्स थे, इसमें 6 mm डायनेमिक ड्राइवर्स हैं। उसमें डायनेमिक इस तरीके से मेंशन नहीं है तो, बट अभी साउंड क्वालिटी मैच करेंगे कैसे हैं। और यहाँ पे देखिए वन टच वॉइस असिस्टेंस है, वन टच वॉइस असिस्टेंस है, और इसमें है एडवांस्ड कैपेसिटिव टच कंट्रोल। इसमें कंट्रोल और इसके कंट्रोल्स अभी मैच करते हैं हम कैसे, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। अभी इसको इंस्टा वेकेंट पेयर में कनेक्ट करते हैं सो दैट हमको यहाँ पे डिवाइस का नेम मिले। अभी विदाउट मैनुअल ही मैं इसको चेक कर रहा हूँ, ये यहाँ पे मेंशन कर दिया इसने अवेलेबल डिवाइसेस एयरपोर्ट्स 383। मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, कनेक्टिविटी हो गया है। यहाँ पे ये मेंशन भी कर रहा है, इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है, बैटरी इज 100%, यानी कि जो एयरडॉप्स की बैटरी है वो 100% चार्ज है। अभी मैं इसको देखता हूँ कि साउंड क्वालिटी इसका कैसे है म्यूजिक चला के, और आपको भी दिखाऊंगा कि इसका साउंड क्वालिटी कैसा है। देखिए दोस्तों, अगर मैं नॉर्मली अगर आपको बताऊं तो साउंड क्वालिटी इज इनफ, आपको आवाज आ भी रहा होगा थोड़ा थोड़ा, बट कोई नहीं, मैं आपको बता देता हूं। स्टीरियो साउंड्स है बेसिकली, इधर से वॉल्यूम इसमें जाती हुई नजर आएगी, इसमें से इसमें जाती हुई नजर आती है। बेसिकली स्टीरियो साउंड क्या होता है, जो लेफ्ट ईयर के लिए आपकी साउंड बनी है बेसिकली गाना बनाते वक्त, तो वो लेफ्ट ईयर में ही आएगी, राइट में वो साउंड नहीं जाएगी। अगर आप मोनो साउंड सुनते हैं तो वो मोनो में क्या होता है, वो साउंड सिंगल साउंड भी आपके दोनों ईयर वो इसमें जाती है, दोनों ईयर्स में जाती है। बट स्टीरियो में क्या होता है, लेफ्ट वाली लेफ्ट में जाएगी, राइट वाली हमेशा राइट में जाएगी, वो कभी मिस मिक्स नहीं होती है। ठीक है, ये कुछ बेनिफिट्स होते हैं आपके बेसिकली अगर आप स्टीरियो साउंड के शौकीन है तो। ठीक है, तो वो चीज़ें इसमें अच्छी रहती हैं। अगर आपको मैं यहाँ पे मैं साउंड क्वालिटी दिखाऊँ तो देखिए आपको आवाज़ सुन रहा होगा, ये देखिए। अभी मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो क्वालिटी इज ओके, ठीक है, तो क्वालिटी में कोई ऐसा इशू नहीं लग रहा है। और अभी मैं इसको टच से चेक भी कर पा रहा हूँ, देखिए मैं टच करता हूँ तो ये वर्क कर रहा है, ये पॉज हो रहा है और प्ले हो रहा है, ये आपको आवाज़ भी सुन रहा होगा। देखिए मैं यहाँ से टच कर रहा हूँ, प्ले हो गया, मे बी शायद इधर से भी, लेफ्ट और राइट दोनों से काम कर रहा है ये। देखिए मैंने अभी राइट वाला डबल टैप किया है तो मेरा गाना चेंज हो गया। ठीक है, अभी मैं लेफ्ट वाला डबल क्लिक करता हूं, हाँ अगर मैंने लेफ्ट वाला डबल टैप क्लिक किया है तो उसमें क्या होता है, आपका प्रीवियस वाला सॉन्ग चल जाता है। ठीक है, और आप अगर आप थोड़ी देर प्रेस करके छोड़ते हैं तो आपका ये जो आपका गूगल का जो अभी चेंज नहीं हो रहा है बेसिकली, बेसिकली गूगल असिस्टेंट और जो आपके एलेक्सा असिस्टेंट होते हैं वो वर्क करते हैं। अभी ये मेरी वॉइस से एक्टिव हो गया बेसिकली। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि जो हमारा जो पुराने वाला है उसका साउंड क्वालिटी कितना आता है। तो देखिए दोस्तों शुरू करते हैं, इसको हम कनेक्टिव करते हैं। ये मैंने इसको ओपन किया है, इसमें लाइट्स आप देख सकते होंगे, इसमें रिंग्स में चलती हैं। ठीक
ठीक है, तो हम इसको कनेक्ट करते हैं और इसकी साउंड क्वालिटी आपको चेक करवाते हैं। तो अभी ये दिखाया नहीं है, अभी ये कनेक्टिविटी के लिए ओपन नहीं है। यहाँ पे सर्चिंग चल रहा है, डिवाइस में भी सर्चिंग चल रहा है, अभी हुआ नहीं है। तो ये देखते हैं नई डिवाइस में क्यों शो नहीं कर रहा है। हाँ ये मिला, एडोब्स 441P, दैट इज़ P4 Pro, ये मेरा कनेक्ट हो गया है और दैट इज़ ऑल्सो 100% बैटरी चार्ज, क्योंकि मैंने अभी आज यूज़ नहीं किया था। तो मैं आपको दिखाता हूँ, इसका क्वालिटी डिफरेंट है, ठीक है, ये जो ईयर जेल्स है और ये अलग तरीके से काम कर रहा है। तो अभी हम इसका साउंड क्वालिटी दिखाते हैं। मैंने गाना चला लिया है, वही सॉन्ग चलाया जो पहले चल रहा था, ऑन 100% वॉल्यूम। इसमें देखिए वॉइस आपको कम लग रहा होगा दोनों में, बट इसमें जो बास का क्वालिटी है दैट इज रियली वेरी नाइस, क्योंकि ये शायद मे बी प्रो वर्जन है, मे बी शायद उसकी वजह से हो, बट इसमें जो बास क्वालिटी है और इसमें डायनेमिक ड्राइवर्स हैं 6 mm के, ठीक है, तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट इसकी साउंड क्वालिटी उस वाले से 383 वाले से बेटर है। मैं अगर दोनों का साउंड क्वालिटी सुन लेता हूँ एक बार, दोनों का साउंड क्वालिटी अगर हम देखते हैं तो वो दोनों का साउंड क्वालिटी इसमें अच्छा है। मैं एक बार दोबारा कंपेयर करके देखता हूँ, दोनों अपने आप इसमें लग गए और मैं इसको बंद करूँगा तो ये डिसकनेक्ट हो जाता है बेसिकली, ठीक है, तो वो डिसकनेक्ट हो गया है। अभी मैं अगर इसको ओपन करूँगा तो ये वाला कनेक्ट हो जाएगा इसमें, ये देखिए 383 कनेक्ट हो गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो हम दोबारा से इसको एक बार पहन के देखते हैं सो दैट हमें पता चले। तो इसमें जो है वो डायनेमिक ड्राइवर्स का साउंड पर्पज नहीं है, और जो ईयर कैपिंग जेल जो होता है बेसिकली, जो एक जो कान में पकड़ बना के रखता है बेसिकली, लाइक अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो इसमें एक ये दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो इस तरीके से है बेसिकली, ठीक है। क्वालिटी अगर मैं देखूँ तो दोनों की क्वालिटी प्राइस वाइज दोनों अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है, ये भी अच्छा है और ये 383 भी अच्छा है और 441 भी अच्छा है। इसमें मैंने बोट के दोनों यूज़ किए हैं, प्लस इसमें सबसे अच्छी एक चीज़ ये होती है कि मैग्नेटिक पिकर हैं बने हुए हैं इसमें, आप जैसे ये डालोगे अपने आप अपनी जगह पे सेट हो जाता है, आपको ऐसा नहीं है सेट करने की ज़रूरत पड़ती है। देखिए मैंने इसको उल्टा भी कर दिया तो भी ये गिरा नहीं है, और ये भी अपने आप इसको मैग्नेटिक ग्रिप बना रखा है इसमें, ठीक है, तो अपने आप नहीं गिरता है। कुछ मैंने यूज़ किए हैं दूसरी कंपनीज के, एक हमने यूज़ किए थे सैनाइजर के यूज़ किए थे, उसमें भी एक मैग्नेट नहीं था, उसमें ये गिर जाते थे, ठीक है, और भी हमने यूज़ किए हैं, ठीक है, तो उसमें भी कुछ इश्यूज थे बेसिकली, बट इसमें ये चीज़ें अच्छी रहती हैं, आपका मैग्नेटिक बंद होता है, अपने आप नहीं खुलता है, मैग्नेटिक ही ये अपने आप सेट हो जाता है इसमें, ठीक है। ये देखिए अगर मैं यहाँ पर इसको छोड़ूंगा तो ये अपने आप इसको ये सेट कर लेता है अपनी जगह पर और ये गिरता भी नहीं है, ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें अच्छी हैं। तो अभी के लिए अगर मैं रिव्यूज़ में देखूँ तो दोनों में साउंड क्वालिटी है, बट प्रीमियम साउंड क्वालिटी अगर आप देखोगे तो ये 441 में है, बट दोनों में एक चीज़ का इशू है अभी भी, इस दोनों में एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन का पर्पज़ सॉल्व नहीं होता है, ठीक है, तो ड्यू टू दैट अगर आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन लेना है तो आपको दूसरी डिवाइसेस पे ही जाना पड़ेगा, बट अगर आप साउंड क्वालिटी नॉर्मल पर्पज़ से अगर आप देखें तो दिस इज़ द बेस्ट 441 Pro। आप में आपको इसमें बेटर साउंड क्वालिटी भी मिलेगा, प्लस आपका बैटरी बैकअप इज़ वेरी हाई, अराउंड 150 आवर्स ऑन रेगुलर यूज़, अगर आप एक बार चार्ज कर लेते हैं तो 150 आवर्स आप इसको रेगुलर चला सकते हैं। तो अभी के लिए धन्यवाद दोस्तों।
अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छे लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिए, सो दैट अगर हमारे नए अपडेट्स आते हैं तो वो आपको टाइमली मिले। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।